song mein 15 to 20 times actually main dekh chuka hu and Divvya Choukseys is a very good singer and the thing is pata hai aap logon ko ki agar koi woman apne production mein for the woman kuch likhti hai aur uske upar rap karke usko gana banane ki bahut shiddat chahiye hoti bahut mehnat chahiye hoti and I think Divvya did it and it is the song is by Divvya for women to women by women that's what I can say and I'm very excited and because the success party celebrate karne ke liye hum log yahan pe aaye hain so it's good to see people growing in my life so I'm happy yeah. No, it's all not about that close bond but the thing is I have heard her song and maine bahut baar unka gana suna hai aur dekha bhi hai basically aur jis hisab se मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है उस हिसाब से फीमेल डोमिनेटिंग अगर कोई इंसान निकलता है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि कोई फीमेल भी उससे ज़्यादा मेल के मुकाबले में इतना अच्छा गाना गा सकती है इतना अच्छा रैपिंग कर सकती है एंड आई फील इट शुड बी देयर बिकॉज इंडस्ट्री इज बेसिकली अबाउट इक्वालिटी बेसिकली वट आई फील लाइक कि जहाँ पे फीमेल पावर है वहाँ मेल पावर है जहाँ मेल पावर है वहाँ फीमेल पावर है सो इट्स ऑल अबाउट I'm happy and I'm blessed कि वो एक अच्छी इंसान है मैं उनका दोस्त हूँ और यहाँ पे उनकी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ देखिए जैसे आई एम बेसिकली फ्रॉम अ मॉडलिंग बैकग्राउंड सो मैंने एज अ मॉडल मिस्टर इंडिया के टाइम पे अपने आप को ग्रूम किया थिएटर्स की अभी तनवीर अंदर में तो आई थिंक ईच एंड एवरी वन इज़ हैविंग अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म हम थिएटर्स इज अ एक्चुअली एक्टर्स मीडियम और फिल्म इज ऑलवेज डायरेक्टर्स मीडियम एंड मनी इज बेसिकली इन टी वी सो वी कैन फिगर इट आउट कि एवरी वन इज देखो एज एन एक्टर तो आपको काम करना पड़ेगा एज एन एक्टर यू हैव टू परफॉर्म इवेंचुअली वट एवर द मीडियम इज बट वट आई फील पर्सनली कि फिल्म में आपको ग्रोथ मिलती है फिल्म में लिबर्टी मिलती है टी वी में बिकॉज इन अ डे वी हैव टू शूट सीन लाइक 12 to 13 सीन्स इन अ डे सो इट्स जस्ट मोर ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन अ फिल्म इन अ टी वी बेसिकली एंड मोर इन अ फिल्म वी नीड मोर होमवर्क तो हम लोग इतना तैयार होकर फिल्म के लिए जाते हैं कि एक एक महीना मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ फिल्म के लिए तो पूरे प्रिपरेशन के साथ में फिल्म में जाता हूँ और जब टीवी होती है टीवी में हम लोग स्पॉन्टेनिटी के हिसाब से एक्टिंग करते हैं तो ईच एंड एवरी मीडियम इज गुड बट फॉर द ग्रोथ ऑफ एन एक्टर फिल्म आर द बेस्ट थिंग सो द बेस्ट पार्ट इज दैट बहुत सारे लड़कों ने मुझे सपोर्ट किया विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग और बहुत 749 गर्ल्स के इंस्टाग्राम पे डीएम आए डायरेक्ट मैसेजेस एंड लड़कों ने बहुत सपोर्ट किया एक लड़के ने मुझे बोला टीनेज बॉय ने बोला कि इंडिया को इस तरह के गाने की ज़रूरत थी तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं मेरे गाने के बारे में मेहनत रंग लाई है येस एंड इसको अभी बहुत दूर जाना है पहले गाने के हिसाब से आई एम वेरी हैप्पी दैट द काइंड ऑफ सक्सेस इट्स गॉट पटियाले दी क्वीन दूर तक गया है आई हैव परफॉर्म्ड इन चंडीगढ़ आई परफॉर्म्ड इन दिल्ली आई एम गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ शोज नाउ आई वॉज इन टू एक्टिंग बट नाउ आई लव द फैक्ट दैट इट्स रीच आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल मैंने बहुत ही बिकॉज मेरा प्रोजेक्ट क्राउड फंडेड है सो इट्स इट हैज़ टेकन मी अ ईयर एंड मोर टू वर्क ऑन इट एंड क्या मेरा लुक डिज़ाइन किया है दीप्ति भवनानी ने शी इज़ अ वेरी गुड डिज़ाइनर एंड शी इज़ अ फ्रेंड सो शी इज़ गिविंग मी लेदर जैकेट एंड शी इज़ गिविंग मी वेरी सिंगर काइंड ऑफ लुक शी वॉन्टेड मी टू हैव अ सिंगर स्लैश रैपर काइंड ऑफ लुक इट्स माई फर्स्ट सॉन्ग आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स डन सो वेल एंड दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू ऑल द ब्यूटिफुल वुमेन आउट देयर हु बिलीव दैट गर्ल्स कैन डू एनी थिंग एंड एवरी थिंग एंड हु हैव द राइट टू लिव according to themselves and not let society tell them what to do actually they never said ki ladki rap nahi kar sakti but I like the fact that you know girls bhi aa rahe hain they're also rapping and it's a very good trend and I'm loving the fact that girls have really loved the jo rap kiya and honey saying this is basically an answer to you because tumne itne ghatiya gaane banaye ladkiyon ke liye to ye tumhare ko jawab hai aur please aise gande gaane banane chhod do waise isse banana to chhod hi diya hai honey singh ko pehle honey singh kisne banaya tha uska pehla gaana tha जिसका मैं नाम भी नहीं ले सकती आई मीन समथिंग बट आई कांट इवन से हनी सिंह ने उस पर गाना बनाया है विच इज वेरी घटिया वेरी अश्लील वेरी डेरोगेटरी टू विथ्स वुमेन सो हनी सिंह इट्स टाइम यू चेंज योर स्टाइल ऑफ कंटेंट योर सिंगिंग एंड बादशाह क्यूट वे में जवाब दिया है बिकॉज बादशाह इज अ क्यूटी वो कहता है आती हॉर्ना में जाती ऑडी में किसान सो उसको जवाब दिया है कि गड्डियाँ तो गड्डी वड्डी घर में ही बेखी हैं अपनी कार को ऐसे ना दो फ्लॉन्ट कर गड्डियाँ तो गड्डी वड्डी घर में ही बेखी हैं हनी सिंह हनी सिंह हनी सिंह हनी सिंह कहाँ है वेर इज हनी सिंह हनी सिंह दिखाई भी नहीं देता फर्स्ट ऑफ ऑल हनी सिंह को मेरे सामने आना चाहिए या तो मुझे कुछ अच्छा बोलना चाहिए बुरा बोलना चाहिए अपनी दिल की भड़ास निकालनी चाहिए बट हनी सिंह इज नोवे टू बी सीन लास्ट आई थिंक हमने हनी सिंह को देखा था दिल चोरी सादा हो गया सोनू की टीटू एंड हनी सिंह दिखाई नहीं दे रहे हैं बट हनी सिंह को यही कहना चाहूंगी
कि चको 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 कुछ फ्रेश नहीं हो मिला जो भी मिले चको, इस तरह की लाइनें लड़कियों के लिए ना गाएं बिकॉज लड़कियों को लोग पूछते हैं इंडिया में. सो रिस्पेक्ट वेमेन एंड नॉट जस्ट हनी सिंह, ये उससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है बिकॉज लोग कहते हैं कि लड़कियाँ छोटी कपड़े पहनती है इसलिए उनका रेप होना चाहिए, लड़कियाँ उकसाती हैं. माई क्वेश्चन इज, 8 महीने की बच्ची जिसका रेप हुआ था दिल्ली में, उसने क्या किया था, उसने किसी को कैसे उकसाया था? तो ये जो सोच है लोगों की कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती हैं और वो आकर्षित करती हैं, उस तरह की सोच ना रखें. एंड टू ऑल द पीपल इन सोसाइटी जो जज करते हैं लड़कियों को, और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंगलोर मोलेस्टेशन केस हम सबको याद होगा, जो आईएएस ऑफिसर की बेटी के पीछे यू नो मिनिस्टर का साथ था, वो जो केस हुआ था, एंड दैट वाज इन चंडीगढ़, सॉरी माय मिस्टेक, एंड देयर वाज अ केस दैट हैपेंड इन बैंगलोर न्यू ईयर्स ईव के दिन. तो लोगों ने लड़कियों को ब्लेम किया था कि छोटे कपड़े पहन के जाएंगी. यू टेल मी, अगर एक लड़की क्लब में जाएगी तो क्या वो सूट पहनेगी, साड़ी पहनेगी? सो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ थिंकिंग. एंड निर्भया के लॉयर ने भी कहा था कि यू नो लड़कियां 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाने चाहिए, और कहा था कि निर्भया की गलती है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई थी. तो इस तरह की जो सोच है, इट इज़ वेरी शेमफुल. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू रिस्पेक्ट वेमेन एंड लेट देम बी. सारे जो लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, पटियाली द क्वीन मेरा गाना, उन सभी को एक आंसर है कि प्लीज़ लड़कियों को माफ़ कर दो, लड़कियों को समझो और उनको अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने दो. कॉम्पोजिशन थी के एस अभिषेक और इसके डायरेक्टर है विशाल चतुर्वेदी, एंड इसको प्रोड्यूस किया है तमंचे के जो प्रोड्यूसर है सूर्यवीर सिंह बुलर, वाइल्ड एलिफेंट्स ने. एंड सबसे ज़्यादा जिनका सपोर्ट मिला है वो है मेन, एंड आई एम लविंग इट. एंड टुडे जो जो इसके लिरिक्स लिखे हैं वो रैप मैंने लिखा है और कंपोजर ने भी मेरे साथ लिखा है. ओके लड़के तू क्लब विच आ करके बड़ा स्वाग वाग छिड़क के, समझना ना के मैं हूँ कुड़ी इजी तेरे जैसे, पापा से पैसे लेके मेरे ड्रिंक्स है ऑफर कर दे, चिल्ला गे बड़ मैं तेरी बस फैंटेसी, कैसे कैसे गाने बनाए बस मेरी हील्स आईज और ड्रेस की बातें ही गाए, जजमेंटल नजरें तकते ही जाए, छोटी है मेरी ड्रेस फिर भी तेरी सोच से है बड़ी. सो I think I know that Divvya thoda pehle se, so it's not like that she was just came with a song and we did it. So somehow equation to hamari jo team thi usme aapas mein bahut acha ek talmel tha, aur kuch cheeze jo hai na badi interesting cheeze set pe hui jo humne expect nahi ki thi, jaise unki ek dress unki designer ne banayi thi, wo dress shoot hi pad gayi, uski jagah dusri dress humne li wo yellow color ki thi, and then we got actually a stair which was yellow, and lamborghini which used was the same yellow color, so like the things were like, it was bit of bolte na ki kuch cheeze aapas mein se apne aap set ho jati hai, to thoda planetary mamla tha, and we really had fun shoot for 2 days. And when was the which club was that? क्लब का नाम है प्ले कमला मिल्स में, वहाँ पे हमने शूट किया था, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन. मेरे ऑपोजिट है साहिल आनंद, एंड यू नो ही इज़ वेरी फनी बिकॉज हमने साथ में फिल्म भी की है. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री, देयर वाज अ लॉट ऑफ फन एट द क्लब. बट द स्कूल सीन, आई वांट टू टेल यू, हमने हमारे गाना शुरू होता है एक स्कूल के सीन से जहाँ पे टीचर सेक्स एजुकेशन पढ़ा रही है, एंड शी सेज के बट ये समझने से पहले ये समझ लिए दैट मैन एंड वेमेन आर इक्वल, जो कि हम लोगों ने बहुत यू नो सोच समझ के वो डिज़ाइन किया था विशाल, बिकॉज हमें लगा था कि हर गाना नॉर्मली शुरू हो जाता है क्लब में डांसिंग, वी वांटेड टू स्टार्ट विद अ स्टोरी प्लीवुड के साथ में, एक छोटी सी स्टोरी के साथ में स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्लास में बचपन से जो उनको बेसिकली उसको हमने सिम्बॉलिकली ऐसे दिखाया है कि दे ऑल आर ग्रोन अप, बट वो बचपन में ऐसा होता था कि हम तो एक्चुअली एजुकेशन तो सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जा रहा है, बट आप कमेंट कर रहे हो उसकी छोटी स्कर्ट पे, सो इवन आवर क्लास टीचर्स हु आर सपोज टू यू नो टेल अस द राइट थिंग्स, दे आर आल्सो इंडिकेटिव टुवर्ड्स. मतलब आप बचपन से ही लड़कियों के जहन में डाल रहे हैं कि तुमने छोटे कपड़े इसलिए होना चाहिए, बट सेंसर बोर्ड एक्चुअली चोज टू कट दैट पार्ट, तो वो दिखाया नहीं गया है, वो सिर्फ आपको डिजिटली यूट्यूब पे मिलेगा. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब आप कुछ अच्छा दिखाना चाहते हो तो सेंसर बोर्ड की प्रॉब्लम होती है, और जब हनी सिंह ऐसे वाहियात गाने लिखता है छोटी है यू नो सॉरी चको 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 कुछ फ्रेश नहीं मिलना, तो वो आराम से हो जाए. उसका पहला गाना इट वॉज सो डिरोगेटरी, जो मैं कह नहीं सकती, जो हम कह नहीं सकते, आप उस गाने को सुन नहीं सकते हैं, आपके कानों में ना कुछ हो जाएगा. मेरे ख्याल से आजकल ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, कई बार लोग नशे में, जो हमारे हमारी सोसाइटी की, हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नशे में भी लोग जो है उल्टी सीधी बातें करते हैं फिर अपोलोजाइज करते हैं। तो कपिल के साथ में पहले भी हुआ है, और प्लस हमें, मुझे ये भी पता चला है, ये आई वुड लाइक टू शेयर दैट ही इज गोइंग टू बैड डिप्रेशन, मेंटल ट्रॉमा, वट एवर हैपन टू हिम। सो आई थिंक लाइक द बोथ साइड्स आर रियली, मतलब इस पर हम लोग कुछ नहीं बोलना चाहिए, इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पता चलना कौन कल्प्रिट है, बट ही शुड एक्चुअली रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सच थिंग्स लाइक यूजिंग ट्विटर अकाउंट। ऑल ऑफ अस शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स when we are drunk or we are like we are partying or whatever. So absolutely, that's a dangerous thing. You can actually, from your verified account, if you write something, it is your statement, it's not just you writing on Twitter. So we all should take care of that, and this is like, we are part of this industry, so we should actually I personally feel that jo bhi hua tha, because I have spoken to Vicky मेरे प्रमोशंस के टाइम पे, सो व्हाट आई नो इज कि कपिल व्हाटएवर ही सेड अबाउट द डॉटर वो नहीं कहना चाहिए था, बाकी आप ड्रंक हो गए, द काइंड ऑफ डिप्रेशन इज गोइंग थ्रू, उसने जो बाकी चीज़ें कही दैट्स कम्प्लीटली, एक बार चलो, बट किसी की डॉटर दैट वॉज ओनली द बैड पार्ट, बट ही इज गोइंग थ्रू मेंटल ट्रॉमा एंड ऑब्वियसली किसी के भी साथ हो सकता है, इज अ वेरी टैलेंटेड, किसी के भी साथ हो सकता है, कुड बी एनीवन कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ऑफ पंजाब टू reaching such a high level. And we don't know what's going through with him, so actually it's so wrong to come. Yep.